अरे बच्चों, क्लास सिक्स की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11, मापन। बच्चों, मापन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है, और इसके अभ्यास प्रश्नों को करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्न हल कर लिए हैं। आज हमें अभ्यास प्रश्न का प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और सिक्स साइंस की क्लास का जो है प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो डले हुए हैं, आप उसको देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न 9 नंबर की ओर। 9वां प्रश्न है बच्चों, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर और 2 मीटर है। इनका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करना है आपको। बच्चों, जो चीज़ें दी हुई हैं, ये प्रश्न है 9वां, जो चीज़ें दी हुई हैं वो आप पहले लिख लीजिएगा कि दिया है लंबाई बराबर 8 मीटर, चौड़ाई बराबर 6 मीटर, ऊंचाई बराबर 2 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो वो लिख लीजिएगा फार्मूला। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों का मान दिया ही हुआ है 8 × 6 × 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हल करने के बाद जो है वो आएगा हमारा आयतन जो है वो 96 मीटर क्यूब। ठीक है, घन मीटर। इसके बाद बच्चों इसको जो है घन मीटर में तो हमारा ज्ञात हो गया है, अब इसके बाद घन सेंटीमीटर में भी हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि बच्चों फार्मूला हमारे पास है कि ये देखिए, एक फार्मूला होता है हमारे पास में, एक घन मीटर बराबर, ठीक है, घन मीटर मतलब है यानी घाते 3 मीटर का क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक, अब यहाँ पर घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, और 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये है सेंटीमीटर। ठीक, अब सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है, अब एक तरह से कहा जाए तो 1 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 घन मीटर बराबर 1000, अब गुणे 1000 और हो जाएगा, यानी 3×3=60 हो जाएगा घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर इसको कहा जाए तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 10^6 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 96 घन मीटर, अब 1 घन मीटर बराबर इतना है, तो 96 घन मीटर बराबर 96×10^6 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका, इसको जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 96 घन मीटर बराबर 96×10^6 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से घन मीटर में और घन सेंटीमीटर में इसका मान ज्ञात हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है बच्चों, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है, इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर और घन मीटर में हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, दिया है धारिता बराबर 24 लीटर। ठीक है, अब इसका मान जो है हमें ज्ञात करना है घन सेंटीमीटर और घन मीटर में। तो फार्मूला होता है बच्चों 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, और तो 24 लीटर बराबर कितना आ जाएगा, 24×1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर घन सेंटीमीटर में तो मान ज्ञात हो गया हमारा 24000 घन सेंटीमीटर, ये हमें ज्ञात करना था। इसके बाद घन मीटर में भी हमें ज्ञात करना है, तो 1 घन मीटर बराबर होता है बच्चों 10^6 या 10, ये देखिए 10 लाख जो है घन सेंटीमीटर। इसको जो है 24000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 24000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, इतने, चूंकि यहाँ घन सेंटीमीटर दिया है, ये घन सेंटीमीटर हम इधर लेके चल रहे हैं, तो ये बटे में आ जाएगा बच्चों, इतने घन मीटर आएगा 24000 बटे इतना। ठीक, तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 0 कट जाएंगे, और यहाँ पर 1, 2, 3 0 है बच्चों, तो 1, 2, 3 यानी 1 0 और बढ़ा के यहाँ पर उसमें पॉइंट लग जाएगा, इतने घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से किया गया है, तो इस तरीके से इसको हल करना है। तो इस प्रकार हमने इसको, इसका मान घन सेंटीमीटर, ये जो घन सेंटीमीटर है, और घन मीटर में ज्ञात कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है बच्चों, एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंटल तथा मीटरी घन में ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान कितना दिया है 200 किलोग्राम, और उसको कुंटल और मीटरी घन में ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे।
जो चीज़ दी हुई है पहले वो हम लिख लेंगे बच्चों। दिया है द्रव्यमान बराबर 200 किलोग्राम, ठीक है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब फार्मूला होता है बच्चों एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, ठीक है, बता रहे एक क्विंटल बोलते हैं, एक क्विंटल क्या है तो 100 किलोग्राम उसमें होते हैं। तो 200 किलोग्राम बराबर कितने क्विंटल हो जाएगा, तो 200 किलोग्राम बराबर 2 क्विंटल हो जाएगा। 100 किलोग्राम में एक क्विंटल, तो 200 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 200 बटे 100 यानी 2 क्विंटल हो जाएगा, ठीक। अब क्विंटल में ज्ञात हो गया, अब मीटर टन में ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर टन में ज्ञात करने के लिए, चूंकि यहाँ पर फार्मूला होता है 200 किलोग्राम बराबर 200 बटे 1000 मीटर टन, ठीक। तो यहाँ पर मीटर टन में ज्ञात करने के लिए 1000 का हमने भाग दे दिया है, और यहाँ पर जब भाग देंगे बच्चों तो 2 जीरो तो इससे कट जाएंगे, बचा 1 जीरो यानी 0.2 मीटर टन, ठीक। तो ये यहाँ पर मीटर टन में इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है बच्चों, एक वस्तु की मात्रा आधा किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम, ग्राम तथा हेक्टोग्राम में हमें बदलना है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो है एक फार्मूला लिख लीजिएगा, एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। एक किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है बच्चों। तो आधा किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, आधा का गुणा हो जाएगा, 2 से कटेगा 500 ग्राम हो जाएगा। तो ग्राम में अगर कहा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 500 ग्राम, ठीक। अब इसके बाद इसको मिलीग्राम में ज्ञात करना है, तो फार्मूला होता है बच्चों 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, ठीक। तो अब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 500 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 500 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 500 गुणा 1000 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 500000 मिलीग्राम, ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किया गया, केवल जो है 1 ग्राम में इतने, तो 500 में 500 का गुणा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये मिलीग्राम में भी ज्ञात हो गया, ग्राम में भी ज्ञात हो गया, अब हमें किस में बदलना है, हेक्टोग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होता है बच्चों। तो 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होता है, तो आधा किलो में कितना होगा, आधा गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 5 हेक्टोग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर वस्तु की मात्रा आधा किलोग्राम है, तो मिलीग्राम में वह 500 ग्राम होगी, ग्राम में 500 ग्राम होगी, मिलीग्राम में 500000 मिलीग्राम होगी, और अगर उसको हेक्टोग्राम में ज्ञात करना है तो वो 5 हेक्टोग्राम होगी मात्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है बच्चों, किसी खेत की लंबाई 400 मीटर चौड़ाई 600 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल हमें एयर और हेक्टेयर में ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो जो चीज़ दी हुई है बच्चों वो हम पहले लिख लेंगे कि दिया है लंबाई बराबर 600 मीटर चौड़ाई बराबर 400 मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में आ गया, ये देखिए 240,000 वर्ग मीटर, ठीक, या इसको मीटर स्क्वायर भी वो लिख सकते हैं। अब इसका मान हमें एयर में ज्ञात करना और हेक्टेयर में ज्ञात करना है, तो चूंकि एक एयर बराबर क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास में आया है 240,000 मीटर स्क्वायर बराबर कितने एयर हो जाएगा, इसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो 200 से 2 जीरो उसके कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में आ गया कितना, 2400 एयर, ठीक। तो एयर में हमारे इसका मान ज्ञात हो गया जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था। अब हमें इसका ज्ञात करना है मान हेक्टेयर में। तो एक हेक्टेयर बराबर होता है बच्चों 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग मीटर। तो यहाँ पर 2,40,000 का हमें ज्ञात करना है, मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इससे भाग हो जाएगा, तो ये इससे सारे जीरो कट जाएंगे, 24 हेक्टेयर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः खेत का क्षेत्रफल जो है वो 2400 एयर एवं 24 हेक्टेयर होगा। एयर में भी ज्ञात कर लिया हमने और हेक्टेयर में भी ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर हमारा इकाई 11 जो है वो पूरा हो गया है। अभ्यास के सारे प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ बच्चों। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में, उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।